हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेश अपने यूट्यूब में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वसई में चिंचोटी वाटरफॉल के पास। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का दिन है रविवार और सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने नए डेस्टिनेशन की ओर। दोस्तों, इस वक्त मैं जा रहा हूँ चिंचोटी वाटरफॉल, तो आइए चलिए मेरे साथ और मजे लीजिए वाटरफॉल के। इस वक्त हम वसई हाईवे पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से राइट लेंगे। ये हाईवे आ चुका है। हाईवे से राइट ले लेंगे। यहां से लगभग 2 किलोमीटर है चिंचोटी का मेन गेट। दोस्तों, इस वक्त हम मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर हैं। अब हम यहाँ चिंचोटी पर पहुँच चुके हैं। हाईवे से अंदर घुसते ही 100 मीटर की दूरी पे चिंचोटी का मेन गेट आ जाएगा। लेफ्ट में ये चिंचोटी का मेन गेट है। यहाँ से हम अंदर की ओर चलेंगे। हम चिंचोटी गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम गाड़ी पार्किंग कर देंगे। इसके आगे पैदल ही चलना होगा। आगे का पूरा रास्ता कच्चा है जो इसमें पूरी तरह चिक्कल से भरा हुआ है। ये देखिए, पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है। आगे गाड़ी ले जाना नामुमकिन है, इसलिए हम पैदल ही जाएंगे यहाँ से। हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है, यहाँ से पैदल चलेंगे। मेरी आप लोगों को एक सलाह है, यहाँ जब भी कभी घूमने आए, कैनवास के शूज और लेदर के शूज कभी पहन के ना आए, नहीं तो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। हाँ सर, इधर चलेगा सर। देखिए रास्ते में कितना चिक्कल है, पूरा का पूरा शूज खराब हो जाएगा। छोटा सा लेक है जो काफी प्यारा है, काफी खूबसूरत है। दोस्तों, आप यहाँ पे एक बार घूमने जरूर आइए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाइए। रास्ते में काफी चिक्कल है, वो लड़की गिर पड़ी, उसके पूरे कपड़े खराब हो गए। चलिए आगे की आगे बढ़ते हैं। रास्ता तो काफी ज्यादा खराब है लेकिन एंजॉय भी आ रहा है, काफी मजे आ रहे हैं अभी। संडे का दिन है, काफी लोग आए हुए हैं।
आपको जगह जगह पर इस तरह से पानी भरा हुआ मिलेगा। पानी काफ़ी साफ है, कि पानी सीधा पर्वतों से पहाड़ों से नीचे आया हुआ है, इसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। गाँव वाले यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह भी धो लेते हैं। ये देखिए हरियाली चारों बाजू की, काफ़ी सीनिक व्यू है यहाँ पे। एक पानी का आवाज़ आ रहा है, फाइनली दोस्तों हम वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे यहाँ लोग कुछ गांव वाले हैं जो खाने पीने का सामान यहाँ पे बेच रहे हैं। वाटरफॉल के पास काफ़ी भीड़ है, आज संडे का दिन है, अक्सर लोग यहाँ छुट्टियाँ बिताने चले आते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और लोग पानी में नहाने का भी काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। देखिए पानी भी काफ़ी साफ है, काफ़ी ज़्यादा साफ है। गाइस ये देखिए लोग नहा के ही बाहर आ रहे हैं। सभी लोग नहाने का मजा ले रहे हैं यहाँ पे। सुंदर व्यू है यहाँ पे, उसको दिल तो कर रहे मैं भी पानी में जाऊँ और एंजॉय करूँ। मैं जैसे ही पानी के अंदर गया, पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन फिर भी पानी में एंजॉय इतना आ रहा था कि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। मैंने अभी पानी का भरपूर आनंद उठाया। और यहाँ आने के बाद तो माइंड इतना ज़्यादा फ्रेश हो गया, मैं आपको बता ही नहीं सकता। और नज़ारे देख के दिल एकदम खुश हो गया। तो पानी में बहाव काफी तेज, बहते हुए पानी में नहाने का मजा ही कुछ और होता है। ये देखिए पानी में बहाव कितना तेज है कि आप उसमें खड़े होकर चल नहीं सकते, इसलिए मैं बैठ के चल रहा था। बहाव के साथ साथ पत्थर में फिसलन भी काफी ज्यादा है, इसलिए काफी संभल के चलना पड़ता है इसमें। ये देखिए लोग काफी एंजॉय करते हुए, बीच में नदी और नदी के दोनों तरफ घना जंगल, दोस्तों नज़ारा कुछ और ही है। तो पानी में किसी तरह का केमिकल नहीं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने से बढ़िया आप यहाँ आकर स्विमिंग कीजिए, मतलब क्लोरीन का मगजमारी। अक्सर स्विमिंग पूल में नहाने से आंखें लाल हो जाती हैं, स्किन पर रैशेस वगैरह आ जाता है, यहाँ पे वो सब प्रॉब्लम नहीं है।
काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा था यहाँ पे, इसमें भी गिर गया होता। पानी की क्लियरिटी देखो, कितना क्लीन पानी है। यहाँ नहाने के बाद मुझे स्विमिंग करने का मूड हुआ, इसलिए मैं आगे की तरफ चला। यहाँ पे दोस्तों पानी काफ़ी गहराई में है, किनारे पे थोड़ा कम गहराई है लेकिन आगे काफ़ी गहराई है। अगर आपको स्विमिंग आता हो तो ही इस पानी में जाइए, वरना नहीं। अरे छत्ता यार, बच्ची पानी नाप के दी, दिखा दो इन लोग को। हाथी रुआ पानी नहीं। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ, तब तक आप इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाइए।